ये जो लड़की को देखा ना, कितना उम्र होगा इस लड़की का? इसे कोई हाइट शॉर्ट नहीं है, 10 साल की बच्ची है। उसके गोद पे जो बच्चा है वो भी उसी का बच्चा है। हाँ, 10 साल की उम्र में माँ बन चुका है। इसका बाप कौन है पता है तुमको? पता है हमको? हम दोनों में से किसी को नहीं पता। हम दोनों को छोड़ो, उस लड़की को खुद नहीं पता कि उसका बाप कौन है। पता है यही फर्क है हम लड़का और लड़की के बीच में ना, सबसे बड़ा फर्क यही होता है। उसे कभी पता भी नहीं है कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेक्स क्या होता है, बच्चा कैसा लिया जाता है, कैसे क्या होता है। पर हम लोग एक मैच्योर जगह पर जाकर भी अपने मर्जी से सेक्स करते हैं, और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तब कह देते हैं भाई मेरा अभी लाइफ है, मुझे भी सेटल्ड होना है, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का जिम्मेदारी है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं ले सकता। तब भी वो लड़की कहता है चाहिए ना मुझे, तेरी जरूरत ही नहीं है, तेरी गंदगी को मैं पवित्र बनाऊंगा, मैं संभालूंगा उसे। यही फर्क है, समझ रहा हूँ। लड़कियों का दर्द क्या है? कुछ नहीं है दर्द भाई। हाँ, कुछ नहीं है दर्द इन लड़कियों के सामने। पता है कोई अनमैच्योर लड़का या लड़की ऐसा, लड़की का बात छोड़ो, कोई अनमैच्योर लड़का ऐसा काम करता ही नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है, कहीं नहीं सुनोगे कि किसी 10 साल के लड़के ने किसी 6 साल की बच्ची को रेप कर दिया। हर जगह ये सुनोगे 20 साल के लड़के ने किसी 10 साल की बच्ची को रेप कर दिया, उसके साथ सेक्स किया, उसके बाद उसे मार डाला। किसी 40 साल के बुढ़ाओं ने अपनी पोती के साथ, 90 साल की बूढ़ी औरत के साथ। हर जगह जहां सुनोगे सारे के सारे मैच्योर ही है, कोई अनमैच्योर नहीं है। जो ये कह के टाल दोगे कि वेब सीरीज देख देख के दिमाग खराब हो गया, क्यों भाई वेब सीरीज क्यों दिमाग खराब करेगा बताओ हमको? वो कोई गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है ना, हम लोग समझ नहीं रहे कि वहां पे जो हो रहा है वो 5 आदमियों के सामने हो रहा है, अपने मर्जी से हो रहा है। वो लोग को कोई भी कुछ भी कहे ना, वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तब अपने मर्जी से कहेंगे हाँ भाई मैं करता हूं, तो ईमानदारी से काम करता हूं मैं, वो मेरा काम है, उसके बाद मुझे पैसा मिल रहा है, तो कुछ बताओगे? तुम कह पाओगे कि हाँ मैंने तो वेब सीरीज देखा है, देख के मैंने सीखा, इसीलिए मैंने उस बच्ची के साथ ऐसा कर दिया, रेप कर दिया उसको? है इतना हिम्मत? मार के गांड तोड़ देगा साला पब्लिक के सामने ऐसा कहोगे तो। मगर वो लोग कहे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भी देख के मजा लेते हो, हम सबको ही देख के मजा लेते हो, जो लोग कहते वो लोग भी मजा लेता है। ये जमाना नहीं है भाई, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ हवस की पुजारियों के बीच में इंसान रहता है, इंसान के बीच में हवस का पुजारी नहीं रहता है। बचपन में जब मेला में जाते थे ना, एक खेला होता था कठपुतलियों का, कठपुतला नाचता था गाता था, हम लोग कुछ समझते नहीं थे, देखते थे, हंसते थे, बहुत हंसते थे, बहुत ताली देते थे। हम लोग ना वही कठपुतले बन चुके हैं, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि उन कठपुतले को नचाने वाला कोई पीछे से होता है। हम लोग वही कठपुतले की तरह अभी नाच रहे हैं, और हमें नचाने वाला इंटरनेट का सारा बैड साइड से, जिन लोगों को हम लोग मतलब जिनको हम लोग एक गलत तरीके से दिमाग में घुसा रहे हैं। ये पता है ये गलती कहाँ पे? गलती हम लड़कों लोग का है। हाँ, क्योंकि हमारे बचपन में जैसे हुआ था ना, हमें जैसे हमसे बड़ा कोई सिखाया था कि भाई ये देख ले, ये पोर्न देख ले, ऐसे हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे मजा आता है, वही हम लोग क्या करते हैं, हमसे छोटे लोग को सिखाते हैं। इसलिए लोग सीखते 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 जब मैच्योर हो जाते हैं, तब जाके किसी अनमैच्योर लड़की के साथ, अनमैच्योर क्या, अगर किसी बच्ची के साथ, बच्ची बोलो औरत बोलो, किसी को नहीं छोड़ता है। यही जमाना आ चुका है हम लोगों का। वेब सीरीज का कोई गलत हाथ नहीं है भाई, कोई गलत हाथ नहीं, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं। वो लोग प्रेग्नेंट हो जाए, वो लोग को मेडिसिन खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम तो साला जब तक लड़की के साथ सेक्स भी करते हो, तब भी उसके बाद भी उसे कम से कम 200 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो, एक अनवांटेड 72 आकर लाकर भी नहीं दे सकते। हाँ, नाम भी बता दी, इसके बाद से कभी करोगे भी ना, तब भी लाकर दे देना, खिला देना कम से कम। भाई बहुत फर्क है लड़का और लड़की में, बहुत फर्क है, ठीक है? आज समझ के भाई, इतना दिन सोचते थे कि हाँ हम लड़कों का दर्द बहुत है, नहीं भाई कुछ दर्द नहीं है लड़की लोग के सामने, लोगों का दर्द कुछ नहीं है। क्योंकि हालत कैसे हो, कहीं पर ये नहीं सुनोगे कि लड़की ने एबोर्शन कर लिया, लड़का राजी है फिर भी लड़की ने एबोर्शन कर लिया। बहुत कम केस होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं, बहुत कम केस होगा। 90% केस ऐसा ही मिलेगा कि तू जा, तुझे जरूरत नहीं है, मेरा तेरे गंदगी को मैं साफ कर लूंगा। ये जमाना नहीं है भाई, मतलब चेंज करो यार, अपने आप को चेंज करो। इतना ही भूख है, इतना ही चाहत है, तो चले जाओ ना रंडी खाना, चले जाओ ना, खुला है तुम लोगों के लिए, तुम लोग हम लोगों के लिए, हम सारे लड़के लोग के लिए। क्योंकि भूख हम लड़कों में होता है, हमें हर दिन किसी एक नए को पेलना होता है, इसीलिए लड़की लोग रंडी बनता है, वरना वो लोग भी रंडी नहीं बनता।
चाहत हम लड़कों लोग कर रहे होता तो लड़की कभी बेइज्जत नहीं बनता या फिर लड़की कभी प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं करता। समझ रहे हो, गलत हम में है मगर हम लोग लड़की के ऊपर थोपते हैं। तो भाई कम से कम मैच्योर हो रहे हो, उम्र हो रहा है, तो भाई अपने से छोटे लोग को समझाओ कि ये सब गलत है। उसे पॉन का एडिक्ट मत करो, उसे पॉन मत दिखाओ, उसे हिलाना मत सिखाओ कैसे हिलाता है। जब वक्त होगा अपने आप वो सीख जाएगा, जब साइंस पढ़ेगा तब अपने आप सीख जाएगा, सिखाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो ऐसा करते हैं, अगर देख रहे हैं सामने कोई बच्चा देख रहा है या कोई उसे दिखा रहा है गलत सिखा रहा है, जाके ये कह देते हैं हाँ भाई देख ले कर ले, हम लोग भी मजे किए तू लोग भी मजे कर, मगर रोकते कोई नहीं है सर। तब बच्चा नशा करे या कुछ भी करे उसका वीडियो बना के एक मीम वाला टैग लगा के फेसबुक में अपलोड कर देता है, मगर रोकते कोई नहीं है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ इस बच्ची का यार, इतनी सी उम्र में उसे कुछ समझ नहीं है कि माँ क्या होता है, मगर अब मतलब समझ नहीं ना, अब उसे समझ आ चुका है। थूक है भाई हम इंसानों के ऊपर थूक है, इंसान तो है ही नहीं हम लोग, हम तो इंसान है, हम सबको हवस का पुजारी है, बस बीच में एक थोड़ा बहुत दो चार इंसान बच जाता है। वो कहते हैं ना किसी अनपार गवार इंसान को तुम समझा सकते हो, मगर जो लोग पढ़े लिखे गवार बने रहे उसे कभी नहीं समझा।